हवाले से देखेंगे, जहां पर 6 जनवरी ईश्वर नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। मारजूम जंगलपारा में मुठभेड़ के दौरान इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ स्थल से टिफिन बॉम समेत अन्य सामान भी बरामद किया गया है। डीआरजी सीआरपीएफ 195 बटालियन की पुलिस बल की यह कार्रवाई है। कचकल्याण थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है। तो बड़ी खबर इस वक्त, मारजूम जंगलपारा में मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पंकज सिंह भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पंकज, कितनी देर पहले गिरफ्तारी और कितनी बड़ी सफलता इसको माना जाए? जी पंकज, इनकी गिरफ्तारी जिस इलाके से हुई है, यह काफी बेहद ही संवेदनशील इलाका है। कटक कल्याण से मारजूम का इलाका पड़ता है। सुकमा जिला और दंतेवाड़ा जिला का सीमावर्ती इलाका है और पिछले 15 दिन पहले भी यहाँ पर एक बड़ी मुठभेड़ पुलिस की थी और 3 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। आज 6 नक्सलियों को यहाँ से गिरफ्तार किया है। नक्सलियों ने यहाँ पर एक बड़ा कैंप लगा रखा हुआ था और जैसी पुलिस की पार्टी डीआरजी सीआरपीएफ और 195 बटालियन कटक कल्याण की धावा होती है तो नक्सली वहां से अपना डेरा छोड़ के भाग निकलते हैं। भागते हुए जो उनसे 6 साथी है नक्सलियों के, उनको गिरफ्तार किया गया है। सभी को जनमीतिया नक्सली बता रही है पुलिस। जी शुक्रिया जानकारी के लिए। ग्वालियर के चंबल संभाग में कोसी